Hello, students. We are going to start the theory lecture of risk management. Kai dino se, kai The students have been always requesting for the theory lectures of all the chapters in CA final SFM. And we teachers also quite a lot of times feel that it is a normal English language and we have already given the theory book. So, what do we exactly teach in that, you know? But then students say that, ma'am, even if you discuss a bit of it, you know, it will be a bit easy for us to retain the. टॉपिक एंड इट बिकम्स बिट ईजी वैन यू आर लिसनिंग टू सम वन इट बिकम्स ईजी टू लाइक हैंडल द चैप्टर फॉर दैट मैटर एंड सो दैट्स हाउ आई एम टेकिंग दिस लेक्चर एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड टू चैप्टर्स इन काइंड ऑफ सिक्योटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर में ये थर्ड है जो मैं अपलोड कर रही हूँ कम से कम दो तीन और करूँगी जितना भी हो पाएगा एग्जाम के पहले ओके सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट एक बात और थियोरी चैप्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दैट वी फील लाइक राइटिंग ऑन आर ओन हमें लगता है कि हम जो मतलब दिमाग से भी अपने लिख सकते हैं बट दैट इज हाउ यू डोंट गेट मार्क्स आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट आई सी आई इज़ क्वाइट अ लॉट कंजर्वेटिव ऑन दैट पार्ट दैट यू हैव टू रिप्रोड्यूस द सेम लैंग्वेज विच इज रिटन इन द मॉड्यूल आई डोंट अप्रिशिएट दैट टू मच बट एन स्टिल आई मीन इट्स नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स ऑन दिस फोरम इट इज़ बेटर टू डू वॉट आई मीन Do whatever required to clear the exam. That's it. Okay. So risk management. It is relatively a manageable chapter, and they have been asking quite a lot of questions on this chapter actually. Okay. Before going ahead, mm What exactly you mean by risk? Forget about risk management. What do you understand by risk? What would you say? If you ask me, you know what I'll say? I'll say that probability or fear of not getting what I expected. ज रिस्क मतलब जो मैंने सोचा था और जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो नहीं होगा उसका डर ही रिस्क है यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क 100 परसेंट यू कैन रेड्यूज द रिस्क टू अ बेरेबल लेवल ये कहीं भी अगर ये लैंग्वेज लिखी हुई ना एलिमिनेशन ऑफ रिस्क वो बिल्कुल गलत लिखी हुई है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट द रिस्क एट ऑल यू नो यू कैन रेड्यूज इट यू कैन हैज इट टू सम बेरेबल लेवल Okay, and that is called risk management. So, when when you are like fearful that I will not be able to score 60, I will not be able to score 70, you cannot eliminate the fear, you cannot eliminate the risk of like not clearing the exam. Can you do that? If you are bad in exams, then जो तुम सोच रहे हो कि मुझे सेवेंटी आना चाहिए एस के अंदर में तो सेवेंटी तुम सोच रहे हो और सेवेंटी ही आ जाएगा ऐसी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता ना तुम भी ले सकते हो चाहे तुम कुछ भी पढ़ाई कर लो ओके okay. बट तुम उस रिस्क को कम कर सकते हो अच्छी पढ़ाई करके अच्छे लेक्चर्स अटेंड करके अच्छे नोट्स बना करके अच्छी राइटिंग करके अच्छी प्रैक्टिस करके मेहनत करके ओवरऑल दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ओके आई एम श्योर यू आर गेटिंग द पॉइंट इस चैप्टर को मैं इतने ओपन एंडेड तरीके से पढ़ा सकती हूँ ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है बट देन काम उससे बनेगा नहीं विल हैव टू लाइक स्टिक टू द आईसीआई कॉन्टेंट ओनली आई नॉट गो रैंडम एंड यू नो काइंड ऑफ ऑन काई ओन विध रेस्पेक्ट टू द थियोरी स्पेशली ओके नाउ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में एज आई स्पोक टू यू जस्ट नाउ दैट रिस्क इज द प्रोबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वॉट वी एक्सपेक्टेड ओके द टाइप्स ऑफ रिस्क विच इज गिवन इन योर मॉड्यूल इज नंबर वन स्ट्रेटेजिक रिस्क याद करो मैं जब बोलूंगी तो याद करना स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑन योर फिंगर्स स्ट्रेटेजिक रिस्क कंप्लायंस रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क को वापस से बाईफर्केट उन्होंने तो किया हुआ है ओके तो वॉट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क देखो यहां लिखा हुआ है ना टाइप्स ऑफ रिस्क स्ट्रेटेजिक रिस्क सो स्ट्रेटेजिक रिस्क मीन्स वेन यू आर नॉट एबल टू कैचअप विद द स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड यू नो नॉट बिकॉज ऑफ़ यर फॉल्ट मतलब तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है मतलब क्या हुआ इसका स्ट्रैटेजिक रिस्क का कि हर इंसान जो लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली exactly वही बात करूँगी अलग बात नहीं करूँ कोई मतलब नहीं है ओके okay? तो बेसिकली हर इंसान यू नो काइंड ऑफ एवरीडे प्लान यू नो एज पर दे और स्पेशली बिजनेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम प्लान करते हैं कि भाई हमें ये करना है ये करना है ये करना है लेकिन जब हमारी प्लानिंग फेल कर जाती है यू नो स्ट्रेटेजिकली विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट इन विच वी आर ऑपरेटिंग दैट इज अ स्ट्रेटेजिकल रिस्क ओके बिकॉज ऑफ लाइक सम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सम एनवायरमेंटल चेंजेस सम चेंज इन द रॉ मटेरियल्स देन सम कॉम्पिटिशन और समथिंग लाइक दैट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो नोकिया का देते हैं हम इन प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम नोकिया एग्जाम्पल देते हैं मुझे यहाँ तक याद है दैट वंस आई वॉज वॉचिंग टी वी एंड आई वी सॉ द सीई ऑ ऑ ऑफ नोकिया जो रिजाइन कर रहा था तो वर्चुअली ही वॉज क्राइंग एंड ही सेड वन लाइन देट वी वेंट रॉन्ग बट वी डिड नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग यू नो काइंड ऑफ वी वेंट रॉन्ग बट वी डिड नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया बट हम गलत हो गए क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ टच स्क्रीन फोन के साथ कैचअप नहीं किया

बड़ा हुआ कि वो लोग कैचअप नहीं कर पाए एंड नोकिया वॉज कम्प्लीटली वाइपड आउट फ्रॉम द मार्केट इसको स्ट्रेटेजिकल चेंजे स्ट्रेटेजिकल रिस्क बोलते हैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि एप्पल एक समय पे जा करके थोड़ा नीचे हो गया था लेकिन उन्होंने जब मैक लॉन्च किया तुमने बहुत सारी मूवीज़ में या तुमने देखा होगा कि पीछे की जो स्क्रीन होती है ना दैट पीछे का स्क्रीन होता है वो ब्लू कलर का होता है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैक एक्चुअली जब मैक लॉन्च हुआ ना उनका जब उन्होंने टेक्नोलॉजिकली कैचअप किया तो मार्केट लीडर बन गया एप्पल एक्चुअली यू नो लैपटॉप्स आज भी एप्पल वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सबसे एक्सपेंसिव लैपटॉप्स और मोबाइल सेट्स हैं लेकिन तो भी लोग लाइन लगा करके उसकी सेल होती है और लोग खरीदते भी हैं बिकॉज स्ट्रेटजिकली दे आर वेरी मच इन लाइन इन ट्रेंड एंड द इनोवेशन इज़ वेरी हाई ओके सो वेन यू हैव प्लान ऑलरेडी टू मैनी थिंग्स बट स्टिल यू आर प्लानिंग फेल्स मे ऑन अ मेजर लेवल बिकॉज ऑफ़ मैनी थिंग्स लाइक याद कर लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्वायरमेंटल चेंजेस चेंज इन द बिकॉज ऑफ सम न्यू कॉम्पिटिशन चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटीरियल्स और समथिंग लाइक दैट अगर आज की बात करोगे तो कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स फेल कर गए अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो फेस टू फेस जो बैचेस चलती थी हमारी वो बैच अब रेलिवेंट उतनी नहीं रह गई बिकॉज बच्चे फेस टू फेस में आना ही नहीं चाहते बिकॉज दे फील दैट आई कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग द लेक्चर्स ऑफ द सेम फैकल्टी एट होम सो ऑल दो टीचर्स हु डिट अप इन टाइम विद द ऑनलाइन लेक्चर्स और यू यू नो काइंड ऑफ वर्चुअल लेक्चर्स फॉर दैट मैटर नेचुरली दे वुड हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉेज विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यूज दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिकल रिस्क नंबर टू कंप्लायंस रिस्क

वहां भी इफ यू फेल टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी बॉडी का रिक्वायरमेंट्स देर वुड बी अ रिस्क ऑफ यू गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट मैं तुमको रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज पेपर्स फॉर दैट मैटर सो द रिसेंट डेवलपमेंट इज दैट द आर बी आई इज एक्सपेक्टिंग द एन बी एफ सी एग्जैक्टली बैंक और एन बी एफ सी में क्या फर्क होता है पता है तुम्हें द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एन बी एफ सी एंड अ बैंक इज बैंक विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज़ कासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट दैट मीस एन एन बी एफ सी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के नॉट एक्सेप्ट लाइक डिपॉजिट्स फॉर दैट मैटर इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड टर्म्स ऑफ करंट सो उनके वहाँ पर बैंक में रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होते हैं ओके बट एन बी एफ सीज को उतने रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते बिकॉज कासा इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दैम वो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट ऑपरेट नहीं करते हैं बट ऑफ लेट What is happening that RBI is wanting, especially after the failure of DHFL, then uh, India Bulls and Kitini Sari banks fail And you can could see so many people like uh case, Wanira Modi case and all which with Punjab National Bank, so many cooperative banks are shutting down. You know, kind of it's cases, especially DHFL, and India Bulls, failure. Uh, especially the RBI has become very, very alert. And we are like um, ऐसा सुनने में आ रहा है दैट ऑल द मेजर रेगुलेशन्स विच आर एप्लीकेबल टू द बैंक्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर एन बी एफ सीज आई एम टेलिंग यू इट विल नॉट बी ईजी फॉर एन एन बी एफ सी दैट इज़ द लीवे इन देयर हैंड्स ना उनके पास तो वही बहुत बड़ा, बड़ा बफर होता है एन बी एफ सी के पास में कि उनको वो रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता जो बैंक को फॉलो करना पड़ता है तो उनके लिए ईजी होता है बिजनेस करना एक्सपैंड करना आई डोंट नो हाउ यू ऑफ यू कैन रिलेट टू वॉट आई एम सेग बट अगर वो वाले रेगुलेशन्स अप्लाई हो जाते हैं और तुमको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी बैंक का जो बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो बहुत कम होता है तो एक तरफ उनके पास में रेगुलेशन बहुत ज्यादा हैं बट द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर देम इज रिलेटिवली वेरी वेरी लो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कहीं ना कहीं उनको लेवरेज मिलती है उस बात की लेकिन एन बी एफ सीज के साथ साथ में डबल हीट वाई आई के नॉट एक्सेप्ट करेंट अकाउंट सेवेंट अकाउंट डिपॉजिट्स द कॉस्ट ऑफ माई फंड्स वुड बी हाई बिकॉज आई हैव टू बोरो फ्रॉम द मार्केट बैंक को क्या होता है मार्केट से डिपॉजिट तुम तुम ही दे देते हो ना चार चार परसेंट में पैसा उनको तो उनके पास कितना बड़ा पैसे का भंडार है जो कि वो लैंड कर सकते हैं तो उनके पास बहुत सारा लेवरेज है अब इनके साथ क्या हो जाएगा कि ये लोग पैसों का कॉस्ट इनके लिए हाई है इन जनरल भी एंड स्टिल दे हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ द बैंकिंग सो इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी एन फॉर द एन फॉर दैट मैटर टू continue their existence for that matter. That is called compliance risk. Then the third one is operational risk. Operational risk is like normal. If I am doing giving giving you an example of bank or NB NBFC. For example, there is a housing loan company. Okay. And koi housing loan company okay so कई बार क्या होता है कि इन्होंने लोन दे दिया कस्टमर्स को राइट right? अब वो कस्टमर आके ब्रांच में कैश में पैसा डिपॉजिट करता है अपना ई का सपोज़ करो कि भाई मेरा ई एम आई थर्टी थाउजेंड का है तो वो कैश ब्रांच में जाकर डिपॉजिट करता है सपोज द हेड क्वार्टर्स आर इन बॉम्बे एंड सम ब्रांच इन सम टीयर थ्री सिटी लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल सिटी और समवेयर और वहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे लाके वो पैसा जमा कर बिकॉज वहाँ पे कैश का लेन देन ज़्यादा होता है थर्टी थाउजेंड जमा कर दिया इसी तरह से करके बहुत सारे लोगों ने कैश में जमा कर दिया डोंट यू थिंक दैट इफ अ प्रॉपर प्रॉपर कम्प्लायंस अ प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस इज नॉट सेट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कैश गेटिंग क्या बोल सकते हो तुम तो उसको उस कैश उस का मिस uh, हैंडलिंग हो सकता है और uh, तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में पता भी नहीं चलेगा दैट इज ऑपरेशनल रिस्क ओके आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया देन द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल रिस्क अगर तुम मुझसे पूछोगे ना तो एवरी रिस्क इवेंचुअली कलमिनेट्स इन टू फाइनेंशियल रिस्क कोई भी रिस्क होने दो तो ये चार तरह के रिस्क नहीं होते हजारों किस्म के रिस्क होते हैं ये कोई तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कोई भी रिस्क हो अल्टीमेटली डर ये है कि कंपनी डूब जाएगी leading to eventual losses of like uh, financial losses to all the equity holders and the bondholders debenture holders and every stakeholder for that matter so eventually everything culminates into financial risk only i'm sure you got the point financial risk under then points de rakhe. number one counterparty risk main mapping नंबर वन काउंटर पार्टी रिस्क सो काउंटर पार्टी रिस्क इज बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द काउंटर पार्टी फॉर एग्जाम्पल आई मेड सम पेमेंट एडवांस पेमेंट टू सम रॉ मेटेरियल सप्लायर ही फेल टू सप्लाई द रॉ मेटेरियल्स टू मी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉट विल हैपन दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू माई प्रोडक्शन इन टाइम एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच माई कस्टमर विल गो बैड नंबर वन नंबर टू मैंने किसी को पैसे दिए और सामने वाला मुझे ना तो पैसे लौटा रहा है और ना मुझे ब्याज वापस कर रहा है पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री डिफॉल्ट रिस्क ओके सम काइंड ऑफ डिफॉल्ट रिस्क फॉर एग्जाम्पल मैंने माल बेचा और उसने पैसे मुझे नहीं दिए सो काउंटर पार्टी रिस्क इज रिस्क अकरिंग टू अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द काउंटर पार्टी काउंटर पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है जो सामने वाला है फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने किसी को लोन दिया है तो जो बोरोवर है अगर तुमने किसी को माल बेचा है तो तुम्हारा डेटर है अगर तुमने किसी रॉ मेटेर सप्लायर तुम्हारा वेंडर है तो ये काउंटर पार्टी रिस्क है नंबर टू पॉलिटिकल रिस्क मतलब बेसिकली रिस्क नॉट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ सम अर पार्टी नंबर टू पॉलिटिकल रिस्क इज़ ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क देखो फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या आएगा पता है नंबर वन काउंटर पार्टी रिस्क मैंने सबसे पहले क्या बोला टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या बोला रिपीट करो मेरे साथ में स्ट्रैटेजिक रिस्क कंप्लायस रिस्क देन ऑपरेशनल रिस्क एंड फोर्थ मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क ओके फाइनेंशियल रिस्क के अंदर में क्या क्या होगा पता है तुम्हें फाइनेंशियल रिस्क के अंदर में होगा काउंटर पार्टी रिस्क पॉलिटिकल रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सचेंज रेट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क देखो मुझे ही याद हो गया तुमको क्यों नहीं याद होगा मैं याद करके नहीं आई हूँ आई जस्ट सॉ द मॉड्यूल वंस एंड आई गॉट लाइक आई कुड डू इट तो यू विल बी विल टू डू इट डोंट वरी अबाउट दैट ओके सो स्ट्रैटेजिक रिस्क इज डन देन I will not waste your time, don't worry. Compliance risk is done, operational risk is done, financial risk is done. Now, counterparty risk is done. Number two, political risk that will lead to financial risk. Eventually, if there is some situation because of political reasons, the company will have to face the heat leading to financial losses. And that is why political risk can lead to financial risk. That's what I want to tell you, right? Number one, if a uh, company so set up in India, then suppose the government forces them to sell their products at a particular rate. तो उनको लॉस होगा रेवेन्यू का नंबर टू दे विल नॉट अलाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ देम टू बोरो फ्रॉम द लोकल मार्केट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रेज फंड्स इन टाइम ओके एंड उसकी वजह से उनके मार्जिन और स्प्रेड्स हट हो जाएंगे नंबर थ्री उनकी द प्रॉपर्टी और द एसेट्स ऑफ दैट कंपनी आर कॉन्फिस्केटेड बिकॉज ऑफ सम रीजन वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट देन दे आर लाइक वैन दे अर्न यू नो वैन दे आर क्रिएटिंग रेवेन्यूज एंड दे अर्न मनी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्सेज सम देम विथ limitation with रिस्पेक्ट टू द रिपैट्रिएशन ऑफ their प्रॉफिट्स मतलब तुमने कमा तो लिया यहाँ पे अब वापस लेके जाने जाते समय सरकार ने यहाँ पे उनको प्रॉब्लम डाल दी तो ये सारे चीज़ों की वजह से दीज आर बिकॉज ऑफ रीज़न सो नंबर वन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज नंबर वन काउंटर पार्टी रिस्क नंबर टू क्या बोला पोलिटिकल रिस्क नंबर थ्री क्या बोला इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ मेजरली लाइक ज़्यादा डिस्कस कहाँ होता है पता बैंकिंग सेक्टर या उस सेक्टर में ज़्यादा होता है बिकॉज उनका जो एसेट और लाइबिलिटी होता है वो दोनों ही इंटरेस्ट रेट होता है दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स उनको इंटरेस्ट देना है एंड दे दे गिव लोन्स तो उनको ब्याज आना है तो इफ़ दे आर नॉट एबल टू मैनेज दिस स्प्रेड पार्ट प्रॉपरली दैट मीन्स उनका बिजनेस इज ओनली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ओके but this ye matlab nahi hai banks ko affect karta interest rates. suppose i am a company i was planning to do some project for that matter and uh, suddenly the interest rates were increased and the cost of funds increased for me and as a result of which i couldn't put up my project so that is uh, that is interest rate risk but especially interest rate risk is more discussed with respect to all the businesses which are interest rate sensitive like a business of an nbfc or a, bank, a business of a bank or something like that okay Then exchange rate risk exchange rate risk is mostly like on a like एक्सप्लिसिट uh, explicit basis मतलब एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी risk हर आदमी को कोई भी risk हर आदमी को directly या indirectly affect करता ही करता है यानी कि अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि एक्सचेंज रेट रिस्क सिर्फ उस आदमी को अफेक्ट करता है जिसने बाहर से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करा नहीं ऐसा नहीं है Example देती हूँ तुमको कि सपोज़ करो मैं इंडिया में हूँ रहती हूँ और मैं इंडिया में गारमेंट्स का बिजनेस करती हूँ ठीक है आई आई प्रोक्योर फ्रॉम इंडिया आई सेल इन द इंडियन मार्केट ओनली एंड देर इज़ सम अनदर काउंटर पार्ट यानी मेरे साथ में कोई एक बंदा मेरा कॉम्पिटन है जो कि यू एस यू एस तो नहीं बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा चाइना या श्रीलंका से uh, कपड़े इम्पोर्ट करता है गारमेंट्स इंपोर्ट करता है और इंडिया में बेचता है एक्सचेंज रेट मार्क एक्सचेंज रेट के फ्रंट पे अगर उसको कोई गेन हो गया और उसके लिए सपोज़ करो कॉस्टिंग या सोर्सिंग ऑफ लाइक गारमेंट्स बहुत सस्ता हो गया तो अपने रेट को गिरा देगा और सपोज करो कि हम दोनों सेम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं तो वैसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं उसके साथ में बट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन आई वॉज इनडायरेक्टली अफेक्टेड तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर बैंक्स को अफेक्ट ज़्यादा करता है तो हमें भी करता है भले कम करता है बट करता तो है मैं ये बोलना चाहती हूँ ओके ना एक्सचेंज रेट रिस्क अगर तुम डिस्कस करोगे तो इट इज़ मोस्टली टू डू विथ कंपनीज विच हैव गॉट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑन देयर पेंडल अकाउंट राइट फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस बिकॉज दे आर इन टू एक्सपोर्टेशसपोर्टेशन ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक एंड companies which are into refining of crude because they have to import the crude so the fluctuation in the exchange rate would definitely affect their payment statement for that matter either the cost or the revenues for that matter right then last one is liquidity risk if the company is not able to generate sufficient amount of cash flows or if there is a mismatch in the uh, inflow and the outflow matla mera Uh, आने में और जाने में गैप है तो डेफिनेटली आई गोइ टू फेस सम लिक्विडिटी रिस्क एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द कंपनी माई टू गो बैंक करप्ट ऑल्सो देखती हूँ मुझे याद था कि नहीं फाइनेंशियल रिस्क काउंटर पार्टी रिस्क है इसके अंदर में पॉलिटिकल रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क है करेंसी रिस्क है और लिक्विडिटी रिस्क एंड दिस इज डन गाइज ओके देन द नेक्स्ट टॉपिक इज इवैलुएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क सो इवेल्युशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क विद रेस्पेक्ट टू स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू देन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा दिया हुआ है इसके अंदर में ओके इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क बोला है जनरल रिस्क नहीं बोला है ओके फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू देन आई थिंक फाइनेंशियल रिस्क मोस्टली इज फेस्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स वाई बिकॉज दे विल ट्राई दे वुड बी फीयरफुल उनको हर स हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है तुमको ध्यान नहीं है जैसे क्लास में मैंने कई बार डिस्कस किया कि इक्विटी की जो रेट होगी वो इक्विटी की जो रेट होगी वो हमेशा डेट से ज़्यादा होगी बिकॉज इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी वालों को अगर कुछ बचा तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा लेकिन डेट वाला हमेशा एसेट्स को बेच के अपने पैसे निकले निकाल निकाल सकता है तो नेचुरली इक्विटी इज फेसिंग मोर रिस्क बिकॉज ऑफ बिकॉज दे वुड बी द लास्ट इन द प्रायोरिटी आफ्टर पेमेंट आफ्टर ऑल द पेमेंट्स हैव बीन डन टू ऑल द पीपल एंड इफ समथिंग इज लेफ्ट आउट देन ओनली इक्विटी विल गेट और अगर इतना ही पैसा कंपनी के पास होता कि सबको दे पाते और इक्विटी वाले को भी दे पाते तो कंपनी लिक्विडेशन में जाती ही नहीं है क्योंकि अगर सच पूछोगे तो एंड दैट इज़ वाई अगर इफ द कंपनी इंक्रीजेज द डेट इक्विटी रेशियो अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगा तो फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज एंड वेल स्टार्ट आस्किंग फॉर हायर अमाउंट ऑफ आर ई और के ई उनका बढ़ जाता है ये बातें हमने क्लास में बहुत बार करी है ओके नंबर टू कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी इंक्रीजेज इट्स लाइक डेट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गेरिंग दैन इट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन द इवेंट ऑफ लो रेवेन्यूज एंड लो कैश फ्लोज एंड इफ दे आर नॉट एबल टू मीट देयर यू नो इंटरेस्ट ऑब्लीगेश और दे आर री पेमेंट ऑब्लीगेशंस द कंपनी कैन बी फोर्स इन टू लिक्विडेशन देयर बाय Uh, their existence becomes fearful. Okay, number three, the government perspective. Don't you think that ये जो failure हुआ DHFL का इसकी वजह से, you know what? Banking system and NBFCs are the spine of any economy for that matter. जैसे for example, Punjab National Bank में जब हमने गीतांजलि जेम्स और नीरा मोदी के you know kind of funds के जो हमने बढ़ा बहुत सारा, they are still on run for that matter. So वो उससे हमारा confidence जो एक normal सिटीज़न uh, होता है कंट्री का जब भी हम किसी बैंक के फेलियर की बात सुनते हैं इट इज गिव यू अ गुड फीलिंग एक्चुअली एंड सम हाउ यू बिकम वेरी वेरी फियरफुल टू द फैक्ट कि हमने जो हम घर में पैसे नहीं रखते क्योंकि हमें डर लगता है कि चोरी नहीं हो जाए तो बैंक में रख के भी कौन सा मेरा पैसा सेफ हो रहा है अगर कहीं चला एंड बीच में तुमने पी बैंक का भी सुना था uh, जो उसमें कितने सारे जो जो गरीब लोग थे बेचारे उनके इतने हार्ड एंड मनी उसके अंदर थे जो कि सारा खत्म हो गया जो वाधवा ब्रदर्स का और पीएमसी बैंक का जो इश्यू जाके पढ़ो अगर इंटरनेट पे अगर तुम्हें नहीं पता है तो ओके सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट दैट दे ट्राई टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल विद रेस्पेक्ट टू द फिनेशियल सिस्टम ऑफ द इकनॉमी एंड दट इज़ द बैंकिंग सिस्टम एंड द एन बी एफ सी सिस्टम ऑफ द इकनॉमी फॉर देट मैटर बस ये तुम्हारा मैंने इतना खत्म करा दिया नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू एट रिस्क आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव प्रिपेयर फ्राम द एग्जाम परस्पेक्टिव इन द प्रैक्टिकल वी हैव डन क्वाइट लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द क्लास विद रेस्पेक्ट टू वार उन्होंने जो क्वेश्चन नहीं पूछे आज तक आई 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 हैव डन ऑल दोस क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम माई साइड बिकॉज वट वॉज वॉट एवर आई आई हैड अवेलेबल विथ मी आई ट्राई टू शेयर विद यू अफकोर्स Uh, मैंने लेवल उतना ही मेंटेन किया जितना मुझे लगता है तुम्हारे में आ सकता है बाकी आईसीआई की तरफ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है कंटेंट में तो एक भी क्वेश्चन हार्डली कुछ अवेलेबल है फॉर दैट मैटर तो आगे बट आज का लेक्चर क्योंकि थियोरी परस्पेक्टिव से है तो मैं प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव से नहीं जा रही वैल्यू एट रिस्क सो इट इज रिटर्न दैट एज पर विकीपीडिया वार इज द मेजर ऑफ रिस्क इन ऑफ इन्वेस्टमेंट समझाती एक मिनट दो गिवन द नॉर्मल मार्केट कंडीशन इन अ सेट ऑफ पीरियड से वन डे इट एस्टिमेट्स हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट might लूज दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी पोर्टफोलियो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और a foreign एक्सचेंज ओके okay. अगर तुम मेरे हिसाब से अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो मैं शायद कुछ मतलब अलग, अलग तरह से समझाती हूँ वन थिंग यू टू ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम श्योर गैज यू नो दैट बिकॉज यू वुड हैव लाइक एग्जाम सामने में है तो ओब्वियसली तुमने वार का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा राइट बट फिर भी मुझे लगता है मैं काश कोई वैल्यू एड कर पाऊँ तो बेसिकली इफ आई ड्रॉ डायग्राम आई एम श्योर दिस कर्व इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व

जब कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फिर जेड के हिसाब से जेड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपन अज्यूम करते हैं तो वी अज्यूम दैट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दैट डेटा सेट डेटा सेट इज सेम ओके ये ध्यान रखना यानी कि जितने नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उतने पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ये पता होना चाहिए तो बोलोगे मैम कुछ और भी होता है क्या हाँ कुछ और भी होता है ना द डिस्ट्रीब्यूशन विथ कटॉसिस द डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्क्यूड फॉर 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 दैट मैटर फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं होता ऐसे ऐसे होता है या फिर इसका तुम यानी कि डेटा राइट हैंड साइड में ज़्यादा है पॉजिटिव डेटा ज़्यादा है नेगेटिव डेटा कम एंड सो तो ऑन कटोसिस का, का मतलब फैट टेल्स थिन टेल्स मैं उसके बारे में बात नहीं करी फिलहाल यू हैव टू अज्यूम दैट द दिस मेथड दिस मेजरमेंट मेथड वार अज्यूम्स दैट द डेटा दैट वी आर यूजिंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके दैट मीन्स इसका जो सेंटर है ना ये वाला ये ज़ीरो होगा वेन talking about टॉकिंग अबाउट uh, and i'm sure all of you know that the center of the var ये z का curve है ये z की line है यह हमारी line होती है okay तो z का जो center है यानी कि mean जो होगा वो zero होगा आम sure everybody knows that right क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज अगर दोनों तरफ सेम है और ये जो बीच में लाइन है तुम्हारी उसके राइट हैंड साइड में यू विल हैव पॉजिटिव वैल्यूज एंड लेफ्ट हैंड साइड में यू विल हैव नेगेटिव वैल्यूज राइट एंड यू शुड बी कम्फर्टेबल ऑन दैट सो बेसिकली यू आर अज्यूमिंग दैट कि ये ये जीरो है एंड राइट right में तुम्हारे पॉजिटिव वैल्यू है और लेफ्ट नेगेटिव वैल्यू है तो एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व वार व्हेन वी आर डिस्कसिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व हमें नेगेटिव साइड का ये पता होना चाहिए तो बेसिकली गाइस कैसे निकालते हैं वार वार इज़ लाइक फॉर नाइन्टी फाइव परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट देन नाइन्टी परसेंट और तुम बोलो मैम इसका क्या मीनिंग होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि uh, अगर मैं तुमको बोलूँ कि नाइन्टी फाइव परसेंट या फिर नाइन्टी फाइव परसेंट नहीं बोल करके फाइव परसेंट वार बोलते चलो फाइव परसेंट वार डेली इज रुपीज फाइव थाउजेंड समझा ऐसा मैंने एक लैंग्वेज बोला हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस हाउ डू इंटरप्रेट दिस इसका ये मीनिंग हुआ कि ऑन एन एवरेज वी 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 थिंक दैट That our losses in a day, our losses in a day will be either 5000 or more there is a 5% chance there is a 5% chance that our losses will be either 5000 or more फाइव थाउजेंट और मोर एक्चुअली वार वैल्यू एट रिस्क का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही होता है कि वो मोर कितना होगा ये वो नहीं बता पाता ये सबसे बड़ा लिमिटेशन हमें पता नहीं पाँच फाइव परसेंट चांस ये है दैट तुम्हारे लॉसेस एक दिन में डेली बार बोला है ना पाँच हजार या उससे ज्यादा होगा एंड इसको कैसे और भी इंटरप्रेट कर सकते हैं देर इज अंटी फाइव परसेंट चांस दैट योर लॉसेस ऑन अ डेली बेसिस वुड बी लेस देन फाइव थाउजेंड सो दिस मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी जेड का मतलब ही होता प्रोबेबिलिटी का यूसेज होना सो so, तुम्हारा जो दिया हुआ है तुम्हारी थ्योरी जो दे रखी है तो प्रैक्टिकल पार्ट से थोड़ा हो गया बट समझ में आएगा थ्योरी भी ज्यादा जा, अच्छा। ईजी अपन पढ़ पाते हैं ओके सो बेसिकली कमिंग अगैन सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है uh, जो भी लिखा हुआ के पेड़िएगा इट इट सेज दैट वॉट विल बी द वर्स्ट केस सिनारियो एंड वॉट विल बी द मैक्सिमम लॉस वॉट विल बी द लॉस सो वेन दे आर सेंग वॉट विल बी द लॉस इट नॉट बी मैक्सिमम लॉस इट नॉट मैक्सिमम बिकॉज यू नॉट कैलकुलेट द मैक्सिमम लॉस मैंने क्या बोला देर इज़ अ फाइव परसेंट चांस दैट द लॉसेस विल बी फाइव थाउजेंड और मोर तो मैक्सिमम लॉस कैसे आ जाएगा मिनिमम लॉस हुआ ये तुम्हारा ओके एंड मतलब इन अ डे एंड तुम्हारा देर इज़ अ 95 फाइव परसेंट चांस एट द लॉसेज विल बी लेस देन फाइव थाउजेंड सो वॉट विल बी द लॉस इज़ अ वेरी वेरी वेग वर्ड एक्चुअली बिकॉज प्रॉबेबिलिटी अटैस्ड है ना उस फाइव थाउजेंड के साथ में डिपेंडिंग ऑन योर इंटरवल राइट नाइन्टी फाइव परसेंट के साथ में इंटरप्रेट करोगे तो कुछ और होगा और फाइव परसेंट के साथ में करोगे तो कुछ और हो जाएगा वो बात हो रही है बट तुमको तो यही याद करना पड़ेगा सो वॉट विल बी द वर्स्ट केस सिनारियो एंड वॉट विल द लॉस दैट इज़ वॉट इज अ मीनिंग ऑफ वैल्यू एट रिस्क एज पर द गिवन डेटा इन योर बुक ना फीचर्स ऑफ वार सो फीचर्स ऑफ वार जो उन्होंने दे रखा है उन्होंने दे रखा है कॉम्पोनेंट्स ऑफ वार विच इज़ लाइक time period and then confidence level and loss in terms of percentage or amount then basically var is a statistical method okay because we use mean and standard deviation and everything for the and probability for that matter then number 3 you can calculate var for any time period for a day for a week then for a month or maybe quarter or a six month or a year for that matter they components of calculations a statistic it is a statistical method then time horizon it uses a z score that means we assume that our data is basically normally distributed okay then it is a me measure of risk control that is score risk control and it is based on the uh, it is based on the concept of probability. It will not give you a hundred percent answer that it is a 5% chance that the losses will be 5,000 only no there is a 5% chance that the losses will be 5,000 in a day or more. सो so, अगर फाइव परसेंट के परस्पेक्टिव से देखोगे ना तो पांच हजार मिनिमम हो गया जो मैं दो मिनट पहले बोल रही थी तुमको समझा मैं क्या बोलना चाह रही हूं मैं ये बोल रही हूं अगर तुम फाइव परसेंट के परस्पेक्टिव से देखोगे तो कैसे क्या बोला मैंने फाइव परसेंट डेली वार इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो कैसे इंटरप्रेट करूंगी देर इज अ फाइव परसेंट चांस दैट द लॉसेज विल बी ईदर फाइव थाउजेंड और मोर तो अगर मैं फाइव परसेंट के परस्पेक्टिव से अगर इसको इंटरप्रेट करती हूँ तो फाइव थाउजेंड बिकम्स माई मिनिमम लॉस बिकॉज द लॉस कैन बी मोर देन देर इज अ प्रॉबीबिलिटी देर इज अ फाइव परसेंट प्रॉबीबिलिटी देर द लॉसेज कैन बी मोर देन फाइव थाउजेंड विद इन अ डे अगर मैं नाइन्टी फाइव परसेंट के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करती हूँ तो फाइव थाउजेंड मेरा मैक्सिमम लॉस हो गया देर इज अंटी फाइव परसेंट चांस दैट द लॉसेज विल बी फाइव थाउजेंड और लेस विल बी लेस देन फाइव थाउजेंड नॉट इवन फाइव दोनों में फ़र्क देखना तुम देर इज अ फाइव परसेंट प्रॉबीबिलिटी दैर द लॉसेज विल भी फाइव थाउजेंट और मोर ओके इंटरप्रेट सही नहीं करोगे तो आंसर भी सही नहीं आएगा दर इज अंटी फाइव परसेंट चांस दैर द लॉसेज विल भी लेस दैन फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड और लेस नहीं लेस देन फाइव थाउजेंड ओनली उस हिसाब से बात कर रही हूँ तुमसे तो ये तुमको समझा होगा एप्लीकेशन ऑफ वार एप्लीकेशन ऑफ वार कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वार इन एज अ बेंचमार्क फॉर द मेजरमेंट ऑफ A performance of your portfolio or some trading position. Number two, you can use the concept of VAR or this uh, calculation method for providing the like maximum limits to the individuals which are working for the front office of uh, front office in with some portfolio or something like that. Then you can use to compute the maximum loss, you can use to control the risk, then you can use that risk asset liability management of the bank. ऐसे कुछ तो भी है देखो मैं भी पढ़ लेती हूँ टू मेजर द बोली थी मैंने लगभग सारा टू मेजर द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो ट्रेडिंग पोजिशन एज अ बेंच मार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन और ट्रेडिंग टू फिक्स द लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्योंकि वो लोग उससे ज़्यादा पोजिशंस नहीं बना सकते यू नो देन टू एनेबल द मैनेजमेंट टू डिसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटीज ये मैंने नहीं बोला एज अ टूल फॉर एसेट लैबिलिटी मैनेजमेंट स्पेशली इन द बैंक स्काइज एंड आई एम श्योर यू नो हाउ टू कैलकुलेट वार ये तुमको जो दिया हुआ है ना मैंने जब भी दिखाया तुमको सो वार कैसे कैलकुलेट होता है वार इज इक्वल टू एक्स सिगमा एंड जेड तो एक्स स्टैंड फॉर द पोर्टफोलियो वैल्यू राह एक्स स्टैंड फॉर द पोर्टफोलियो वैल्यू एंड सिग्मा स्टैंड फॉर एस डी यानी देट मीन्स अगर तुमको डेली वार निकालना इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डेली वार देन दिस एस डी शुड बी Uh, daily SD. Usually, the question will give you an annualized SD, and then Z will be the value of the Z depending on 95 ऑन नाइन्टी फाइव परसेंट नाइन्टी नाइन तुम्हारा जो भी कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ होगा सम में उस हिसाब से तुम यूज़ करोगे और ये सम तुम देख लेना बिकॉज प्रैक्टिकल पार्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अप्रोप्रिएट मेथर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ये तुम्हारा और दो पेज का है और खत्म हो जाएगा तुम्हारा इस चीज़ के साथ तुम्हारा ये चैप्टर ओके okay. सो so, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे दैट एनी हैपेंस, एनी टाइप ऑफ रिस्क कंपनीज़ फेसिंग इवेंचुअली इट विल हैव टू बी लाइक द विजिबिलिटी विल भी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस ओनली एंड तुमने देखा ना कि जो फाइनेंशियल रिस्क है उसके कई कॉम्पोनेंट्स uh, तुमने देखा काउंटर पार्टी रिस्क मतलब काउंटर पार्टी के बिहेवियर की वजह से तुमको कैसे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है यू नो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से तुमको फाइनेंशियल लॉस कैसे हो सकता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से तुमको फाइनेंशियल लॉस कैसे हो सकता है यू नो एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से तुमको कैसे लॉस हो सकता है एंड सो ऑन सो फोर्थ तो इवेंचुअली वॉट डू यू मीन बाई दिस दिस मीन्स डैट मतलब मैं मैं भी इसमें बोल रही हूँ दे कोई भी तरह का रिस्क so, you know, uh, है नहीं है तो ही लॉस होगा हमारे फेवर में जाएगा तो हमें गेन हो जाएगा ओके नाउ द हेडिंग एज आई रेड द अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मतलब आइडेंटिफाई करो आइडेंटिफाई करना कि भाई ये रिस्क क्रिएट हो रहा है और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे मैनेज करोगे वो वाली चीज़ तुम्हें पढ़नी है तो एज यू स्टडीड दैट फाइनेंशियल रिस्क के चार पार्ट हैं फाइनेंशियल काउंटर पार्टी रिस्क दैन इंटरेस्ट रेट रिस्क देन एक्सचेंज रेट रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क तो तुम्हें चारों के परस्पेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा ये ओके okay, सबसे पहला आ रहा है काउंटर पार्टी रिस्क सो हाउ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट देयर इज़ अ काउंटर पार्टी रिस्क ओके नंबर वन सी इट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऐसा नहीं कि लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है लेकिन वी विल हैव टू स्टिक टू दिस लिस्ट ओनली बिकॉज यू विल गेट मार्क्स ओनली इफ यू राइट दिस ओके आई कैन ओनली हेल्प यू डिस्कस अ बिट ऑफ इट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल बिकम पॉसिबली ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ईजियर फॉर यू नॉट मोर देन दैट अल्टीमेटली तुम्हें तो याद करना ही पड़ेगा ओके नंबर वन सबसे पहले फेलियर टू ऑप्टेन नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर अ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और अ ट्रांजेक्शन मतलब जो माल आना था बनना था समथिंग ओके okay, और वो नहीं होगा तो किसकी वजह से हुआ सामने वाले की वजह से लॉस हमें हो जाएगा ओके नंबर टू लेट डाउन बाय अ थर्ड पार्टी ओके इन सॉल्वेंसी ऑफ द काउंटर पार्टी फॉर दैट मैटर ओके देन उसके बाद देखो और क्या दिया हुआ है एनी रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐसा कोई अचानक से रेस्ट्रिक्शन आ गया तो उसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या हम पे जो हमें आ, कोई भी एक्टिविटी हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी कैन फेस फाइनेंशियल लॉस देन हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द फॉरन गवर्नमेंट ऑन सो ऑन सो फोर्थ सो बेसिकली ये लिस्ट क्या तुमको रिप्रेजेंट uh, करती है ये लिस्ट ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी बाहर वाले की वजह से चाहे वो डोमेस्टिक uh, गवर्नमेंट हो चाहे वो फॉरन गवर्नमेंट हो और इट ही और शी इज अ वेंडर और समथिंग ओके एज अ रिजल्ट ऑफ विच

इंडिविजुअल और द कंपनी और द एंटरप्राइज बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन आपको प्रॉपर ड्यूटिलिजेंस करनी चाहिए उनके बारे में पूरा पता लगाना चाहिए उसके बाद ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू यू शुडेंट बी एक्सपोजिंग और ओवर कमिटिंग टू वन इंडिविजुअुअल ग्रुप ऑफ पीपल और रिलेटेड पार्टीज फॉर देट मैटर नंबर थ्री यू कैन बाई इंश्योरेंस देगन यू कैन बाई यू नो सिमिलर प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर परफॉर्मेंस गारंटी एंड ऑल सो दैट इन 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 द इवेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल लॉस सम अमाउंट कैन बी री इम्बर्स्ड एटलीस्ट फिर क्या लिखा हुआ है यू शुड सेट योर एक्सपोजर लिमिट्स बियॉन्ड दैट यू शुड नॉट बी गोइंग में हमेशा बच्चों को जैसे एक बात हम क्लास में हमेशा डिस्कस करते हैं दैट स्टॉक मार्केट के बारे में बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं बातें करने में तो

तुमको अपना टारगेट रिटर्न पता होना चाहिए कि भाई ट्वेंटी परसेंट रिटर्न आएगा आई विल बी एग्जिट उसके बाद भले वो वन ट्वेंटी परसेंट बढ़ जाए तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बट वी गेट इन टू द ग्रीड मोड एक्चुअली हमें लगता नहीं थोड़ा और बढ़ने देते हैं थोड़ा और बढ़ने देते हैं एंड सडनली वो मार्केट बहुत नीचे आएगा और तुम्हारा स्टॉक का जो जो तुमने कमाया था वो भी खत्म हो जाएगा और फिर वापस वो स्टॉक वहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है ओके सो यू शुड नो योर एक्सपोजर लिमिट्स बोथ ऊपर का भी और स्टॉप लॉस भी ना तो ऊपर को ब्रीच करना चाहिए ना नीचे को ब्रीच करना चाहिए उसके बाद रेगुलर लाइक एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द काउंटर पार्टी फॉर एग्जाम्पल आज अगर तुम किसी काउंटर पार्टी के साथ में तुम एंटर करते हो ट्रांजैक्शन में और उसकी पाँच की रेटिंग है फाइव की रेटिंग है एंड सडन यू डोंट यू जस्ट लीव लाइक दैट ओनली एंड पॉसिबिली इन अ स्पैन ऑफ वन और टू इयर्स उसकी रेटिंग ख़राब हो सकती है पॉसिबल है तो तुम ओवर एक्सपोज्ड अगर हो और तुमको पता भी नहीं चला बिकॉज तुमने एनालिसिस करी ही नहीं तो तुमको लॉस हो सकता है इसलिए जिनके साथ आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उनकी रेटिंग की उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की और बहुत सारी चीज़ों की तुमको एनालिसिस रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे करना चाहिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई मैं पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए द वेरियस हिंट्स दैट मे हिंट्स दैट मे प्रोवाइड काउंटर पार्टेर का रेस फॉलोर्स फेलियर टू अपटेन नेसेसरी रिसोर्सेज टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट any regulatory restrictions from the government hostile actions of the foreign government these are they are all like outside parties let down by the third party and have become insolvent the various techniques to manage these type of risk are as follows carry out due diligence before dealing with any third party do not overcommit to a single entity or group or connected entities concept of diversification is the most appropriate word Know your exposure limits, review the limits and procedure for credit approval regularly. You know? Review the limits you know? and the procedure for credit approval regularly. Rapid action in the event of any likelihood of defaults, you cannot delay because then your losses will increase. Use of performance guarantees, insurance, or other instruments so that even if the losses have already happened, you should be able to get some amount of reimbursement in terms of finance actually. That will relieve you from some, some pain actually. दैन पॉलिटिकल रिस्क गाइज सो पॉलिटिकल रिस्क में क्या क्या हो सकता है पॉलिटिकल रिस्क में हो सकता है कि सपोज़ करो कि तुम यू एस के इन्वेस्टर uh, हो और इंडिया में बिजनेस लगाया तुमने तो so, तुम्हें किस तरह के रिस्क फेस हो सकते हैं वो बता रही हूँ तुमको तो द फर्स्ट वन कुड बी दैट आई एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉसिबली आज यूम ओके

इससे ज़्यादा आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं देखो लिखा है मैंने रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी देन आई कैन फोर्स यू और आई कैन रेस्ट्रिक्ट द रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स टू योर कंट्री आई कैन से दैट आज जो तुमने कमाया है सौ रुपये तुम सारा लेके नहीं जा सकते तुम पचास इस साल ले जाओ फिफ्टी अगले साल ले जाना समथिंग एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द फॉरन एसेट्स देन उसके बाद Maybe uh, I can force you to fix the price of the products because I want to save my domestic industries for that matter. So these are the types of political risk that you can face. How can you try to manage them? or how can you try not to enter them only? Okay you should be like reading before investing, you should be reading a lot about the investment scenario, the environment of the various countries. How will you do that? एज ऑफ़ टूडे तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है इंटरनेट से करो मैगजीन से करो नंबर टू यू कैन चेक आउट ऑन द मैक्रो माइक्रो इकनॉमिक एन्वायरमेंट ऑफ़ द कंट्री यू कैन चेक आउट ऑन द द करेंट पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में है उनके मेमोरेंडम क्या है वो जाके चेक करो वो कितनी ब्रॉड माइंडेड एंड ऑल दैट नंबर द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट आपकी जो एम्बेसीज है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस के हो तो आपकी एम्बेसी इंडिया में है आप उनसे बात करो उनसे पता लगाने की कोशिश करो कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है या इनका एटीट्यूड कैसा है उससे हो सकता है कि आप गलतियाँ करने से बच जाओ एंड इन ऑर्डर टू आप इस प्रॉब्लम को और भी तरीके सॉल्व कर सकते देखो लिखा हुआ है फर्दर following techniques can be used to mitigate this risk try to procure resources and labor from the local market try to set up some negotiations some joint venture something of that sort exam to Mara yaad maine hi pura kar local financing prior negotiations ho gaya interest rate risk now interest rate risk can be identified from the following like uh, monetary and fiscal policy of the government like any other actions of the government like demonetization matlab कहने का मतलब यह है कि आपको किस किस सोर्स से इंटरेस्ट रेट रिस्क आ सकता है लेकिन यह जो लिस्ट दे रखी है ना इन्होंने ये इंटरेस्ट रेट रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिहेवियर लिखा हुआ है ऐसे इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अदर एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक मॉनिटाइजेशन देन इकोनॉमिक ग्रोथ दैन इंडस्ट्रियल डेटा अगर आपके सामने रिवील होता है स्टॉक मार्केट चेंजेस इन्वेस्टमेंट फॉरन uh, इन्वेस्टर्स का उससे रिलेट कर कुछ बोल रहे हैं आई डोंट नो वाई ऑल दिस बट उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था किस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग बात कर रहे हैं ओके देन करेंसी रिस्क अगेन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी गवर्नमेंट एक्शन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट ब्रिटेन यू नो ब्रेक्सिट जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच

Based on theory on YouTube only. When? Uh, maybe uh, within a week only. Don't worry. Thank you so much and all the best for exams, guys.